हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, फिल्म एक सीक्वल एंड एक सेक्शन के थर्ड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म दबंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, अवार्ड्स और इस फिल्म के सभी सीक्वल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले फिल्म दबंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, दबंग एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जो 10 सितंबर 2010 में ईद के मौके पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था अभिनव कश्यप ने और बतौर डायरेक्टर ये इनके करियर की पहली फिल्म थी। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, विनोद खन्ना, डिंपल कपाड़िया, सोनू सूद और महेश मांजरेकर जैसे कई स्टार्स नजर आए थे। इस फिल्म से ही सोनाक्षी सिन्हा ने बतौर लीड एक्ट्रेस इंडस्ट्री में कदम रखा था। फिल्म में अरबाज खान की एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा भी मुन्नी बदनाम हुए गाने पर आइटम नंबर करती हुई नजर आई थी। इस फिल्म को मैक्सिमम क्रिटिक्स की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। साथ ही पॉपुलर वेबसाइट IMDb पर भी इस फिल्म को 6.2 आउट ऑफ 10 की अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा ऑडियंस की तरफ से भी इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। बात करें इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की तो फिल्म का बजट था करीब 40 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे लगभग 140 करोड़ रुपए। इसके अलावा फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो दुनिया भर में इस फिल्म ने 221 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। दोस्तों, फिल्म में सलमान खान ने चुलबुल पांडे नाम से एक फियरलेस पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था जो ऑडियंस को बेहद पसंद आया था। इसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। इतना ही नहीं, ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। दबंग फिल्म के अवार्ड्स की बात करें तो इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 283 नॉमिनेशन मिले थे जिनमें से इस फिल्म ने 111 अवार्ड जीत लिए थे। गैस, अब दबंग फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप सबसे पहले ये फिल्म सलमान खान नहीं बल्कि रणदीप हुड्डा के साथ मिलकर बनाने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि ये स्क्रिप्ट रणदीप के पास जाती इसके बारे में अरबाज खान को पता चल गया। स्क्रिप्ट उन्हें काफ़ी पसंद आई और सलमान को लेकर इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करने का फैसला लिया। ओरिजिनल स्क्रिप्ट के मुताबिक ये फिल्म करीब 4 घंटे की थी, इसलिए सलमान ने बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर डेविड धवन साहब की मदद से इसमें काफ़ी सीन्स हटवाए थे और तब जाकर इस फिल्म की लेंथ करीब 2 घंटे हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म में सलमान खान मूंछों के साथ नजर आए थे। सलमान को मूंछों के साथ किसी फिल्म में पहली बार देखा गया था। एक इंटरव्यू में अरबाज खान ने बताया था कि मूंछों का आइडिया सलमान खान का ही था जो अरबाज को काफ़ी पसंद आया था और उन्होंने इसे तुरंत फाइनल कर दिया था। दबंग फिल्म को थिएटरों में तो ऑडियंस की तरफ से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला ही था, साथ ही टीवी पर भी इसे खूब पसंद किया गया था। इसी वजह से फिल्म की जबरदस्त पॉपुलरिटी को देखते हुए इसके कई भाषाओं में रीमेक भी बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आपको बता दूं कि दबंग फिल्म की सभी रीमेक्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, वरना इस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो तमिल लैंग्वेज में ओस्थे, तेलुगु में गब्बर सिंह और कन्नाड़ा लैंग्वेज में बुलेट रानी नाम से दबंग फिल्म के टोटल 3 रीमेक बनाए जा चुके हैं जिस पर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड में वीडियो बना चुका हूं। दोस्तों, दबंग के रीमेक के अलावा इस फिल्म के 2 सीक्वल भी बनाए जा चुके हैं। तो चलिए अब दबंग फिल्म के इन सभी सीक्वल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दबंग फिल्म का सीक्वल 2012 में बनाया गया था। ये फिल्म दबंग 2 नाम से रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा और अरबाज खान के अलावा प्रकाश राज और विनोद खन्ना भी नजर आए थे। हालांकि इस बार फिल्म का डायरेक्शन सलमान खान के भाई अरबाज खान ने खुद ही किया था। प्रकाश राज साहब को फिल्म में विलन के तौर पर देखा गया था। दोस्तों, दबंग 2 की IMDb रेटिंग की बात करें तो वैसे तो इस फिल्म को IMDb की तरफ से सिर्फ 4.8 आउट ऑफ 10 की ही रेटिंग मिली हुई है, लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। इसके अलावा ऑडियंस की तरफ से भी इस फिल्म को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। यही वजह थी कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो गई।
इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म का कुल बजट था करीब 50 करोड़ रुपए, जबकि फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 155 करोड़ रुपए। इसके अलावा फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 255 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, दबंग 2 साल 2012 में रिलीज हुई सलमान खान की ही ब्लॉकबस्टर फिल्म एक था टाइगर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ ये फिल्म उस साल कई अवार्ड जीतने में भी कामयाब रही। इस फिल्म को उस साल 35 नॉमिनेशन में से 11 अवार्ड दिए गए थे। गाइस, दबंग फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म साल 2019 में दबंग 3 नाम से बनाई गई थी। ये दबंग सीरीज की तीसरी फिल्म थी जो दबंग 2 के करीब 7 साल बाद रिलीज हुई थी। खास बात ये थी कि दबंग 3 जहां 20 दिसंबर को रिलीज हुई थी, वहीं दबंग 2 भी 2012 में लगभग इसी हफ्ते में रिलीज की गई थी। दोस्तों, दबंग फिल्म से सलमान खान ने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को लॉन्च किया था। और बात करें दबंग 3 की, तो उन्होंने महेश मांजरेकर की बेटी सई मांजरेकर को मौका दिया था। फिल्म की स्टोरी फ्लैशबैक में घूमती है, जहां सई सलमान की लवर का किरदार निभाते हुए नजर आई थी। दबंग फिल्म में सोनू सूद ने विलन का रोल प्ले किया था, वहीं दबंग 2 में प्रकाश राज को नेगेटिव किरदार में देखा गया था, लेकिन दबंग 3 में कन्नड़ा सुपरस्टार किच्चा सुदीप मेन विलन के रोल में नजर आए थे। दबंग को जहां अभिनव कश्यप ने और दबंग 2 को अरबाज खान ने डायरेक्ट किया था, वहीं दबंग 3 के डायरेक्टर थे प्रभु देवा। इससे पहले सलमान और प्रभु देवा ने वॉन्टेड फिल्म में एक साथ काम किया था। दोस्तों, दबंग और दबंग 2 के बाद दबंग 3 से भी ऑडियंस को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। हालांकि इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के अलावा साउथ इंडिया की कई लैंग्वेज में भी डब किया गया था और एक ही साथ रिलीज किया गया था। इसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मैक्सिमम नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, साथ ही इस फिल्म को IMDb की तरफ से भी सिर्फ 3 out of 10 की ही रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा ये फिल्म ऑडियंस को भी ज़्यादा पसंद नहीं आई। हालांकि पहले वीकेंड में इस फिल्म ने काफ़ी अच्छी कमाई की थी, लेकिन उस टाइम पर CAA प्रोटेस्ट के चलते देश के कई थिएटर बंद करने पड़े थे, जिसके चलते ये फिल्म नहीं चल पाई। इसी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी एवरेज साबित हुई। दबंग 3 की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था करीब 150 करोड़ रुपए और फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी 150 करोड़ रुपए के आसपास का ही कलेक्शन किया था। इसके अलावा फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर में 230 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। दोस्तों, दबंग सीरीज की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस देखने के लिए फिल्मी फ्राइडे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।